नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो है इंडिया के बहुत ही कमाल कमांडो, और इस वीडियो का टाइटल है NSG कमांडोस। बहुत ही कमाल के कमांडो है। वीडियो देखी तो मुझे लगा आप सबके साथ ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वीडियो करता हूँ शुरू, आप सब ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताया वीडियो आप सब लोगों को कैसे लगी। ओके लेट्स स्टार्ट। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऐसी यूनिट काउंटर टेररिज्म कमांडो यूनिट जिन्हें दी ब्लैक हेड्स भी कहा जाता है। एनएसजी भारत की स्पेशल फोर्स कमांडो यूनिट है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निरीक्षण में काम करती है। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी जर्मनी की GHE-9 की तर्ज पर बनाई गई थी जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। दुनिया की 5 सबसे एलीट फोर्सेस में एनएसजी की गिनती इसराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडोज के साथ होती है। एनएसजी ने अपनी काबिलियत के बल पर देश ही नहीं दुनिया के सबसे जाबाज और काबिल फोर्स होने का गौरव हासिल किया है। एनएसजी एक ऐसी एलीट कमांडो यूनिट जो कि बहुत कम समय में आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एनएसजी के कमांडोज काउंटर टेररिज्म से लेके जैसे मेजर रोल परफॉर्म करने के लिए फुली ट्रेन है। एनएसजी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज स्ट्रक्चर के तहत काम करती है। अगर आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको कमांडोज की दिल दहलाने वाली ट्रेनिंग से लेके कैसे आप इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। How can I join NSG? NSG एक डेप्यूटेशन फोर्स है, इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। NSG कमांडोज का चयन मौजूदा डिफेंस फोर्सेस से होता है। NSG कमांडोज बनने के लिए आपका आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस सर्विसेज में होना अनिवार्य है। NSG फोर्स में 53% जवान आर्मी से चुने जाते हैं जबकि 47% जवान पैरामिलिट्री फोर्सेज से। आर्मी से जो ऑफिसर्स एनएसजी में चुने जाते हैं उनका मैक्सिमम सर्विस पीरियड 2 साल का होता है और आर्मी से चुने हुए जवानों का 3 साल का होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। जो ऑफिसर्स और जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस से SRG ग्रुप के लिए चुने जाते हैं उनका एनएसजी में सर्विस पीरियड 5 साल का होता है जिसको 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। एनएसजी 2 ग्रुप में काम करती है, SAG और SRG। SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप जो कि एक काउंटर असॉल्ट टीम है। SAG डिवीजन को काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग जैसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। इस डिवीजन के लिए इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को ही चुना जाता है। NSG में 2 SAG ग्रुप हैं, 51 SAG और 52 SAG। अब बात करते हैं SRG स्पेशल रेंजर्स ग्रुप की। NSG में 3 SRG हैं, 11 SRG, 12 SRG एंड 13 SRG। SRG जैसे ग्रुप को VVIP प्रोटेक्शन जैसे टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवीजन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से जवान लिए जाते हैं। SRG को SAG की एक सपोर्ट टीम भी कहा जाता है। इसके अलावा NSG का SCG स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप है जिसको पूरे देश भर में 5 अलग महानगरों में स्थापित किया गया है। 26/11 मुंबई हमले के बाद NSG के रोल और मैनेजमेंट को एक बार फिर से रिवाइज किया गया। NSG कमांडोज को समय समय पर अलग अलग SCG हब्स में डिप्लॉय किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते ही आतंकवादियों का खात्मा किया जा सके। अब बात करते हैं NSG के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग के बारे में। NSG में सिलेक्शन एक जवान के लिए गर्व की बात होती है। NSG का ड्रॉप आउट रेट 70-80% का होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं जिस जवान को NSG ने सिलेक्ट किया हो वो ब्लैक हेड कमांडो बन ही जाए। NSG कमांडोज की ट्रेनिंग नई दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मानेसर के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। NSG के सिलेक्शन क्राइटेरिया को 3 फेज में बांटा गया है। फेज 1 प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया। NSG ज्वाइन करने के लिए मिनिमम सर्विस एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आप आर्मी में हैं तो 3 साल और अगर आप पैरामिलिट्री या पुलिस में हैं तो मिनिमम 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट, NSG ज्वाइन करने के लिए सभी जवान की उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। NSG ज्वाइन करने के लिए हर जवान को मेडिकली फिट और एक अच्छा सर्विस रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। फेज 2 सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। NSG कमांडोज की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सबसे पहले चुने गए जवानों का 1 हफ्ते का ट्रायल होता है जिसमें 15-20% जवान फेल हो जाते हैं। जो जवान इसे पास कर लेते हैं उन्हें 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस बेसिक ट्रेनिंग में जवानों को 16 मिनट के अंदर 26 टास्क पूरे करने होते हैं।
अगर चुने हुए जवान 20 से 25 मिनट में इसको पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो वॉलंटियर इसको 9 मिनट में पूरा कर लेते हैं उन्हें कमांडो ए कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इस बेसिक ट्रेनिंग में जवानों को 25 सेकंड में 14 अलग अलग टारगेट हिट करने होते हैं। इनकी फायर प्रैक्टिस बहुत कठिन होती है, केवल 20-30% जवान ही बेसिक ट्रेनिंग पूरा कर पाते हैं। फैंटम कमांडो एनएचजी के उच्च श्रेणी के कमांडो को फैंटम कमांडो कहते हैं। केवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडो ही फैंटम बन पाता है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को 7-point ग्रेडिंग स्केल में असेस किया जाता है, जिसमें सबसे बेस्ट कैटेगरी फैंटम कैटेगरी कहलाती है। 100 ब्लैक हेड कमांडोज में से केवल एक कमांडो ही फैंटम कमांडो बन पाता है। जो कमांडो ये कैटेगरी हासिल कर लेता है उसके बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर से हटाकर किसी दूसरी खुफिया जगह ट्रेन किया जाता है। फैंटम कमांडोज को खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। फेज 3 एडवांस ट्रेनिंग। जिन जवानों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है उसके बाद इन जवानों की 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग शुरू की जाती है। इतनी कठिन ट्रेनिंग को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी साधारण सैनिक को अपनी 20 साल की सर्विस में भी जिस ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ता उससे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग एक एनएसजी कमांडो अपनी 5 साल की सर्विस के दौरान करता है। यही वजह है कि एनएसजी की डिक्शनरी में असफलता नाम का शब्द नहीं होता। इस एडवांस ट्रेनिंग में जवानों को तोड़ कर रख दिया जाता है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को कई आधुनिक हथियार और गैजेट्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इन्हें मिरर शूटिंग, डेमोलिशन, इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक और अनआर्म्ड कॉम्बैट सर्विलेंस में ट्रेन किया जाता है। एनर्जी कमांडोज की शूटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि एनर्जी कमांडोज अपनी फायर प्रैक्टिस ट्रेनिंग के दौरान करीब 50-70,000 लाइव एमिनेशन का उपयोग कर देते हैं, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। कई बार तो एक दिन में एक कमांडो अपनी ट्रेनिंग के दौरान करीब 2-3,000 फायर कर देता है। इन्हें दुश्मन के सर पर गोली मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। क्या बात है। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजिम बताएं। इस जो कमांडो का जो यूनिफॉर्म था, जो कपड़े पहने हुए इन्होंने, बहुत ही कमाल के थे, ब्लैक के, और यहीं से इनको देख के अंदाजा होता है कि इनमें कितनी जान और इनमें कितनी ताकत है। और ये मेरे ख्याल इनके सामने तो दुश्मन टिकने से बिल्कुल ही रहा, दुश्मन तो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। और सर पर ये डायरेक्ट गोली मारते हैं जो मैंने सुना है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, मुझे कमेंट करके आप सब ने लाजमी बताना है। और मैं आप सबको एक और बात भी बताऊं, मैंने जितनी भी इंडिया की वीडियोस देखी ना उनमें इनके पास जो वेपन्स वगैरह हैं वो बहुत अपग्रेड है, बहुत ही कमाल की है। मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप सबके साथ, तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ। खुदा हाफिज़।